अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वह हमने इंटरफेसिंग ऑफ LCD 16 क्रॉस 2 करना है यूजिंग ET9 C51 माइक्रो कंट्रोलर। उसके लिए हमने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करना है, तो मैंने स्टार्ट किया है ओरिजिन 0000H से। 0000H हमारे पास क्या है कि मैंने एड्रेस दिया है कि हमने यहाँ से ये प्रोग्राम स्टार्ट करना है। नेक्स्ट मैंने बैक की कमांड दे दी है। बैक की कमांड के बाद मैंने कमांड दिया है मूव A38H, यानी अकोमोलेटर में 38 हमने मूव कराना है। 38 मूव क्यों कराना है, क्योंकि LCD यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम टू लाइंस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 38H यूज़ किया है। नेक्स्ट मैंने दे दिया है एक कमांड यानी कि जब यहाँ पर नेक्स्ट एक कॉल कमांड पे आ जाएगा हमारा प्रोग्राम, तो वो दोबारा नीचे आएगा। तो नीचे आकर हमारे पास ये जो कमांड है यहाँ पर आएगा, और ये सारी वैल्यूज, ये जो भी मैंने प्रोग्राम लिखा ये रन करेगा। यानी कि पहले इसके जब कमांड पे यहाँ पर आ जाएगा तो हमारे पास नीचे एक कॉल डेल रूटीन है, तो यहाँ पर डेल रूटीन पे नेक्स्ट चला जाएगा। तो डेल रूटीन पे हमारे पास क्या है, डेल रूटीन में मैंने रजिस्टर्स की वैल्यूज ली है और उसके बाद उनका डिक्रीमेंट काट दिया है। जब तक वो जीरो नहीं होगा इसका डिक्रीमेंट होता जाएगा। उसके बाद जब ये सारा डिक्रीमेंट जीरो तक हो जाएगा तो नीचे ये रिटर्न की कमांड है, तो ये रिटर्न हो जाएगा कहाँ पर, वापस कमांड पे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि मूव P1A, यानी कि पोर्ट 1 में अकोमोडेटर A की वैल्यू हमने पुट कर दिया है। तो वो हमारे पास क्या है, हमने स्टार्ट में लिखी थी 38H, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने जो LCD की पिन नंबर 4 है, मैंने इसके साथ RS लिखा है, ये RS, ठीक है। अब इसी तरह मैंने जो माइक्रो कंट्रोलर का पोर्ट 2 है उसकी 2.1 जो पिन है उसके साथ भी मैंने RS लिखा है। ये हमने एक डिफॉल्ट लगाया है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो पोर्ट 2 की 2.1 पिन है वो कनेक्ट है LCD की इस पिन के साथ, ठीक है। तो इसकी मैंने जो नेक्स्ट हमारे पास जो पिन है, फिफ्थ पिन है, इसको मैंने ग्राउंड कर दिया है, और सिक्स पिन को मैंने वही डिफॉल्ट लगा के इसके सामने मैंने ई लिख दिया है, और इसको मैंने कनेक्ट किया है पोर्ट 2 की पिन जो 2.2 है उसके साथ किया है, और इसके साथ भी ई कनेक्ट कर दिया। दोनों को सेम नाम दिया ताकि इसको पता चल जाए कि इसके साथ किसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। तीसरी को मैंने ग्राउंड किया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब प्रोग्राम रन करते हैं और देखते हैं कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, तो इसके ऊपर जो BS फिजिक्स 8 चलेगा, तो प्ले करती हूँ। तो ये हमारे पास प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम में हमने लिखा था कि हमारे पास जो स्ट्रिंग थी वो थी BS फिजिक्स 8, तो यहाँ पर हमारे पास LCD में वही शो हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का प्रोग्राम था। फिर LCD में देखते हैं BS फिजिक्स 8, तब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम स्ट्रिंग पे आप कुछ भी अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर BS फिजिक्स 8 लिखा था। तो आज का हमारा प्रोग्राम यहीं पर एंड होता है।